कोजागरी पूजा कोजागरी व्रत कथा। कोजागरी व्रत के बारे में कई अलग अलग कहानियां विभिन्न स्थानों पर पाई जा सकती है। आइए जानते हैं कुछ कहानियां। व्रत की कथा से जुड़ी एक कहानी है जिसमें एक साहूकार के दो पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा की रात को एक व्रत मनाती थीं। बड़ी पुत्री हमेशा व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री हर बार व्रत अधूरा छोड़ देती थी। इस कारण जब छोटी पुत्री के संतानें पैदा होती वे जल्द ही मर जाती थी। जब उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि इसकी वजह थी पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ना। इसके बाद वह ने पूरी विधि से व्रत पूरा किया जिससे उसकी संतानें जीवित रह पाई। इसके बाद छोटी पुत्री ने अपने पुत्र को एक पीढ़ी पर लेट कर दिया और उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। जब बड़ी पुत्री वहां बैठी तो उसका लहंगा छोटे पुत्र के पास छू गया जिसके कारण बच्चा रोने लगा। इस पर बड़ी पुत्री ने कहा कि तुम मेरे बैठने से यह बच्चा मर गया है और तुमने मेरे पर कलंक लगा दिया है। छोटी पुत्री ने जवाब दिया कि यह बच्चा पहले से ही मर चुका था, लेकिन तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण ये फिर से जीवित हो गया है। इसके बाद यह व्रत पूरे नगर में एक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाने लगी। यह माना जाता है कि कोजागरी पूजा के समय जो भक्त पूजा करते हैं उन्हें देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत का महत्व और पावनता के कारण लोग इसे आज भी मानते हैं। यह व्रत पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है जिसमें गृहिणियां विशेष रूप से लक्ष्मी माता की पूजा करती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करती हैं। ये परंपरागत व्रत है जिसमें माता लक्ष्मी की पूजा के साथ ही घर को सजाने संवारने का भी अद्भुत महत्व होता है। घर को सजाने संवारने के बाद लक्ष्मी माता की उपस्थिति और आशीर्वाद के लिए तैयार रहता है। घर के अलम को चमकदार बनाना, दीपक जलाना और पूजा के अनुसार प्रार्थनाएं करना भी इस व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह व्रत संतान सुख, सुख शांति और संपत्ति की प्राप्ति की कामना के साथ मनाया जाता है। कोजागरी पूजा रात के समय खास खाने पीने का प्रतिक्रिया भी होता है और खासतर साबूदाना खिचड़ी और खीर का प्रसाद बनाया जाता है। इसके बाद घर के सभी सदस्य इस प्रसाद का स्वाद उठाते हैं। व्रत के इस दिन को आध्यात्मिकता और पौराणिक महत्व के साथ मनाने का अवसर माना जाता है जो व्यक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और सफलता लाने की कामना करते हैं। कोजागरी व्रत की कथा से जुड़ी एक और कहानी है गजलक्ष्मी व्रत कथा। महाभारत काल में देवी कुंती ने भी महत्वपूर्ण गजलक्ष्मी व्रत का पालन किया था जिसकी कथा यहाँ प्रस्तुत है। एक समय महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए और उनका स्वागत महाराज धृतराष्ट्र ने किया। वेदव्यास जी को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर पूजा की गई। इसके बाद माता कुंती और गांधारी ने भी उनसे मिलकर आदर सहित पूजा की और उनसे एक ऐसा सरल व्रत और पूजा का वर्णन करने का अनुरोध किया जिससे उनके राज्य में लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पोत्र और परिवार का सुख समृद्धि बनी रहे। श्री वेदव्यास ने इसका वर्णन किया और उन्होंने कहा, हम एक व्रत का पूजन और वर्णन कर रहे हैं जिससे सदैव महालक्ष्मी देवी का आवास होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ये गजलक्ष्मी व्रत के रूप में जाना जाता है और इसे प्रति वर्ष आश्विन मास के कृष्णाष्टमी को विधिवत रूप से मनाया जाता है। इसके बाद पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने माता कुंती को उदास देखकर पूछा, माता आप इस पुण्यकारी व्रत की तैयारी क्यों नहीं कर रही है, आपको पूजन करना चाहिए। माता कुंती ने उत्तर दिया, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी देवी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। वहाँ विशाल हाथी की मूर्ति का पूजन हो रहा है जिसके 100 पुत्रों ने उसकी मूर्ति को बनाया है। सभी महिलाएं उस हाथी की पूजा के लिए गांधारी के पास चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ विशेष प्रिय अर्जुन आपको स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा करने के लिए बुला लेना चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने अपने आस्थान से स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुलाया। सुनकर इस समाचार के फौरन पास नगर के लोग एकत्र हो गए क्योंकि ऐरावत हाथी का स्वागत पूरे नगर में होने वाला था। गांधारी के महल में भी हलचल मच गई और वहां की महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर माता कुंती के महल की ओर बढ़ी। देखते ही देखते कुंती के महल में भी विशाल तैयारी की शुरुआत हुई और सब कुछ सुख संपत्ति से भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों के चौक बिछाए और नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिया। ऐरावत का स्वागत करने के लिए सब नगरवासी तैयार थे और उन्होंने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल और केसर के साथ अपने हाथ में लिए। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार की गूंज उठी और सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि देने लगे। स्वर्ग से आए ऐरावत हाथी को खड़ा करके उसका पूजन किया गया। सारे नगरवासी ने भी महालक्ष्मी की पूजा की और फिर अनेक प्रकार के पकवान खिलाकर ऐरावत को खिलाया और यमुना के जल से उसकी स्नान किया। राज्य पुरोहित ने वेद मंत्रोच्चार के साथ महालक्ष्मी देवी की मूर्ति का पूजन किया।
इसके बाद स्त्रियां ने स्वर्ण आभूषण, वस्त्र और अन्य धन के रूप में दान किया, जिसे दक्षिणा कहा जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और विशेषित पूजा के बाद गाने और भजन का आयोजन किया गया। यह व्रत की रात्रि को जागरण के रूप में मनाई जाती है और स्त्रियां गीत गाकर महालक्ष्मी देवी की स्तुति करती है। दूसरे दिन राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ महालक्ष्मी देवी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और ऐरावत को स्वर्ग के लिए वापस भेजा जाता है। इस प्रकार जो स्त्रियां महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक आचरण करती हैं, उनके घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है और महालक्ष्मी देवी हमेशा उनके साथ वास करती है। इस व्रत के महत्व को समझते हुए महालक्ष्मी देवी की स्तुति करना भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित मंत्र से महालक्ष्मी देवी की स्तुति की जा सकती है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस प्रकार गजलक्ष्मी व्रत का आचरण करके स्त्रियां धन समृद्धि और सुख की प्राप्ति कर सकती हैं और महालक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। यह व्रत भाग्य और आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद कर सकता है। क्या आप और एक कहानी सुनने में रुचि रखते हैं? आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, राजा बलि एक एकांत स्थान पर गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इंद्र उन्हें ढूंढ रहे थे और एक दिन वे उनको ढूंढ निकाले। इंद्र ने पूछा, राजा बलि, ये स्त्री कौन है? क्या वह देवी, मानवी या दैत्य शक्ति है? राजा बलि ने जवाब दिया, इंद्र, ये स्त्री किसी एक शक्ति की नहीं है, वह सभी शक्तियों में होती है। आप उससे खुद पूछ कर सकते हैं, वह आपको सच्चाई बता सकती है। इंद्र ने पुनः पूछा, लक्ष्मी, आपने इतने समय तक राजा बलि के साथ बिताया है, लेकिन अब आप मुझे छोड़कर क्यों आ रही हैं? लक्ष्मी ने जवाब दिया, इंद्र, मैं केवल समयानुसार उन्हें छोड़कर आती हूँ। मेरा निवास स्थान वही होता है जहाँ सत्य, धर्म, व्रत और दान के कार्य होते हैं। मेरी उपस्थिति वही स्थिर रह सकती है। इंद्र ने फिर पूछा, लक्ष्मी, तो क्या आप असुरों के पास नहीं जाती? लक्ष्मी ने उत्तर दिया, इंद्र, मेरा निवास केवल वहाँ हो सकता है जहाँ सत्य, धर्म और दया होती है। असुर अब ब्राह्मणों का सहायता नहीं करते और अधर्मित कार्यों में लिपते रहते हैं। मैं अब उनके पास नहीं रह सकती। लक्ष्मी के शब्दों से इंद्र ने अच्छे बुरे कार्यों के बारे में सीख ली और उन्होंने लक्ष्मी को प्रणाम किया और स्वर्ग में ले जाया। राजा बलि ने भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की और उनके साथ श्री लक्ष्मी को प्राप्त किया। इसके परिणाम स्वरूप उनके राज्य में सुख समृद्धि और धर्म की प्रचुरता हुई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मानव जीवन में सच्चे धर्म, सत्य और निष्काम भाव से कार्य करने का महत्व होता है। यदि हम नेक और उच्च आदरणीय कार्यों में लगे रहते हैं तो लक्ष्मी जैसी धन की देवी सदैव हमारे पास विराजेंगी। जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि अधर्म, अहंकार और अन्य दोषों से दूर रहना हमारे लिए धन और समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसी तरह सत्य, धर्म और दया की प्रकृति को अपना ध्येय बनाना हमें श्री लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। लक्ष्मी जी की कथा हमें ये सिखाती है कि धन के लिए सिर्फ मानवों के द्वारा किए गए नैतिक और धार्मिक कार्य ही महत्वपूर्ण है और धन का उपयोग सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा और निष्काम भक्ति का महत्व भी इस कथा से साबित होता है। लक्ष्मी जी का निवास स्थान विभिन्न रूपों में हो सकता है, लेकिन वह सदैव सत्य, धर्म और पुण्य के साथ जुड़ी रहती है। वह उन्हें अच्छा भविष्य, खुशियाँ और समृद्धि प्रदान करती है। यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं और धर्म में निष्ठा रखते हैं, तो हम भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।